हाय फ्रेंड्स मैं फेसबुक डॉक्टर राजीव रनिंग डायरी से आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा खासकर जो ओल्ड रनर्स हैं या पुराने रनर्स हैं कई बार क्या होता है किसी न किसी वजह से हम एक वीक का शेड्यूल जो है वो मिस कर लेते हैं मेरे मैरिज पार्टी वट एवर इम्पॉर्टेंट शेड्यूल मीटिंग इन द ऑफिस वर्क कॉलेज तो ये अफोर्डेबल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपने शेड्यूल को सेम लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं लेकिन कॉमन मिस्टेक क्या होती है जब हम दो हफ्ते से ज़्यादा अपना शेड्यूल मिस करते हैं तो हमें रीशेड्यूल करना पड़ता है और खासकर जब एक से दो महीने निकल जाएँ जब आपने रेगुलर एक्सरसाइज ना की हो तो तो सारे स्टैटिस्टिक्स ही चेंज हो जाते हैं आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज रिसर्च के हिसाब से क्या होता है और रिसर्च से भी पहले अक्सर होता दो महीने नहीं है होता क्या है कि किसी ने हाफ मैराथन भागी फुल मैराथन भागी और उसके बाद उसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया और मेंटल ब्लॉक जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया कि इतने डिस्टेंस डिस्टेंस को वो भाग सकते हैं कि नहीं बट तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एक या दो साल के बाद अचानक शुरू करते हैं तो आपकी मसल्स ना रेडी होती हैं ना आपका हार्ट रेडी होता है ना आपकी बॉडी रेडी होती है बट आपके माइंड में कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होता है इसलिए आप पूरी प्रैक्टिस दिलो जान से करते हैं और इसके बाद इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जब बच्चा घबराता है तो उसको चोट नहीं लगती लेकिन जब हम घबराते नहीं या यहाँ बिल्कुल फेयरलेस हो जाते हैं तो फेयरलेसनेस में ज़्यादा इंजरीज़ होने और इमोशनल होने के चांसेस होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि कभी भी अगर ब्रेक एक से दो महीने से ज़्यादा आता है और ख़ासकर अगर एक दो साल का ब्रेक आ गया और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप हाफ़ मैराथन भी प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्लान फॉर फोर मंथ्स और अगर फुल मैराथन भी प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्लान फॉर सिक्स टू नाइन मंथ्स देखो और इससे पहले आप ज़्यादा जल्दी प्लान करेंगे तो हो सकता है आपको कोई इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो हो सकता है ना भी हो क्योंकि मीन वाइल हो सकता है आपका वेट बढ़ गया हो आपका ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर चेंज हो गया हो खासकर आप फोर्टीज़ में हो जैसे कि मैं हूँ तो आज के लिए दोस्तों इतना ही थैंक यू और अगर आपको इस तरह के टिप्स पसंद हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं थैंक यू